Hello, my dear students. How are you? I hope you must be fine. So, today we are going to start our new chapter of EVS. chapter number 6, we need shelter. We need shelter. Hame shelter ki kyun zarurat hai? Theek hai? See, in this picture, two child are there. Two child are there. One is boy and one is girl. Now this boy is asking something from Saina. What are you doing, Saina? इस boy ने पूछा कि what are you doing, Saina? तुम क्या कर रही हो? अब यहाँ पर देखो Saina का एक doll को लेके बैठी है और छोटा सा एक घर है, doll house है, ठीक है? Now Saina told, I am putting my doll to sleep in her house. और मैं अपनी doll को उसके घर में सोने के लिए रख रही हूँ. She will sleep comfortably in it. और वो अपने घर में comfortably सोएगी. Comfortably means आराम से सोएगी. ठीक है? चलो आगे. All of you look at here and listen carefully. We all need a house to live in. हम सभी को हाउस की ज़रूरत होती है उसमें रहने के लिए. ठीक है? A house protects us from sun, rain, cold and storm. जो हाउस होता है, जो घर होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट करता है मतलब बचाता है, सुरक्षित करता है. ठीक है? हमारी सुरक्षा करता है. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस. हमारा जो घर होता है वो हमें हमें बचाता है. किससे? फ्रॉम सन. सन मतलब धूप से बचाता है. बहुत गर्मियों में आपने देखा है कितनी धूप होती है. अगर हम अपने घर में रहें तो हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है. ठीक है? अब हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन. अभी आपने देखा था कितनी बारिश हुई, तो उस बारिश से भी हमें किसने बचाया? हमारे हाउस ने. कोल्ड, ठंडियों में भी हम अपने हाउस में अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं. क्यों? क्योंकि है ना, जो हाउस है वो हमें ठंड से भी बचाता है. एंड स्टॉर्म, और आंधी से बचाता है. स्टॉर्म मीन्स आंधी. ठीक है? इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. और जो हाउस होता है वो हमें चोरों से, थीव्स मतलब चोरों से भी बचाता है. एंड स्ट्रे एनिमल्स, जो बाहर घूमते हैं ना एनिमल्स, जैसे डॉग हो गया, बफेलो हो गई, काऊ हो गए, उन स्ट्रे एनिमल्स से भी ये जो घर होता है ये हमें बचाता है, सेव करता है. इट ऑल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. और हमारा जो घर होता है वो हमें डस्ट से, धूल से, मिट्टी से और इंसेक्ट्स जो होते हैं, अभी बारिश के समय में बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स निकलते हैं, उन सब से भी बचाता है. इसलिए हमें हाउस की बहुत ज़रूरत होती है. हम उस हाउस में आराम से रहते हैं और वो हाउस हमें सन से, रेन से, कोल्ड से और स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट मतलब बचाना. ठीक है? याद रहेगा ना, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना. और जो हमारा हाउस होता है वो हमें चोरों से, थीव से भी बचाता है और स्ट्रे एनिमल्स से, जो बाहर घूमते रहते हैं एनिमल्स, उनसे भी बचाता है. और इट ऑल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. और वो हमें डर्ट, डस्ट और इंसेक्ट से भी बचाता है. क्लियर हुआ? चलिए, इसलिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है. हमें नहीं, सभी को होती है. ठीक है? अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ हाउसेस. आपने हाउसेस के बारे में तो पढ़ा और आपने हाउसेस भी देखा होगा, बहुत सारे कई प्रकार के हाउसेस होते हैं. काइंड्स ऑफ हाउसेस हमें पढ़ना है, मतलब कितने प्रकार के हाउसेस होते हैं वो हमें पढ़ने. Houses are of many kinds. Houses बहुत प्रकार के होते हैं. People build houses according to their needs. और जो लोग होते हैं वो अपने घर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई छोटी फैमिली है तो वो 2 BHK में भी रहेंगे तो भी सफिशेंट है. और अगर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है तो वो अपना घर, अगर उनके पास साधन है और वो अपना घर बड़ा बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, तो वो आसानी से रह पाएंगे. तो जिनकी जैसी ज़रूरत होती है, जिन लोगों की, वो उसके अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं. ठीक है? चलिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है पोर्टेबल हाउसेस. पोर्टेबल हाउसेस का मतलब होता है हाउसेस दैट वी कैन मूव इजिली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस. मतलब ऐसे हाउसेस जिनको हम अपने साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल हाउसेस. आप बोलेंगे ऐसे भी हाउसेस होते हैं? तो अगर आप ध्यान से, आपने बहुत सारी कार्टून्स देखी, कार्टून में भी होता है, कार्टून में भी दिखाया जाता है, आप न्यूज़ देखते हैं, आप पिक्चर्स देखते हैं, उसमें भी आप देखते हैं, तो
पोर्टेबल हाउसेस क्या होते हैं? हाउसेस दैट वी कैन मूव इजीली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस. ऐसे हाउसेस जिन्हें हम अपने साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोर्टेबल हाउसेस. अ टेंट इज अ पोर्टेबल हाउस. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोर्टेबल हाउस, आपने देखा होगा टेंट. ये देखिए, लुक एट हियर, दिस इज टेंट. ये टेंट कपड़े का बना होता है और कैनवास का भी बना होता है. और इस टेंट को जब भी आप कभी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं जंगल में, या फिर आप है ना किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, या नाइट आउट करते हैं, मतलब बाहर रहते हैं किसी पिकनिक वगैरह में जाते हैं, तो आप इन टेंट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये टेंट आसानी से लग जाते हैं और आप इसको अपने साथ ले जा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. और इन टेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ जो करती है वो है आर्मी करती है. आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के जो लोग होते हैं वो पहाड़ों पे जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हर जगह पे घर बनाना इजी नहीं है ना. अगर उनको कहीं पर स्टे करना है लंबी डिस्टेंस वो जा रहे हैं और उनको कहीं स्टे करना है, तो वो यही पोर्टेबल हाउसेस बना के उसमें थोड़ी देर के लिए रात भर रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट डे उसको पूरा वापस अपने साथ समेट के अपने साथ ले जाते हैं. ठीक है, तो पोर्टेबल हाउसेस ऐसे हाउस होते हैं जो जिन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेंट, इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ. और ये टेंट बना होता है किसका? क्लोथ का बना होता है. सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट. सोल्जर्स जो होते हैं, मैंने अभी बताया आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, और कैंपर्स होते हैं. कैंपर्स का मतलब होता है जो आप माउंट एवरेस्ट और इन सारी जगहों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कैंप लगाते हैं, वहाँ पर ये लोग टेंट का यूज़ करते हैं और वहाँ पर रात में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वो टेंट को लगाते हैं, ताकि वो आसानी से अगले रेस्ट करके अगले दिन आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकें. तो ये जो टेंट होता है मोस्टली पोर्टेबल हाउस होता है. टेंट इज पोर्टेबल हाउस मेड अप ऑफ क्लॉथ और शोल्जर्स और कैंपर्स इसमें रहते हैं. ठीक है, अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज ऑल्सो अ पोर्टेबल हाउस. हाउस बोट भी जो होते हैं ये हाउस बोट है. देखो बोट के ऊपर ये हाउस बना हुआ है, हाउस बोट है. हाउस बोट भी क्या होता है? पोर्टेबल हाउस होता है. ये मोस्टली आपको जितनी बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी है, नदियाँ हैं, वहाँ पर ये पोर्टेबल हाउस हाउस बोट आपको दिखेगी. और हमारे इंडिया में ये दिखेगा आपको श्रीनगर में. हाउस बोट वहाँ के बहुत फेमस हैं. श्रीनगर जब भी आप कभी जाएं तो वहाँ पर हाउस बोट देख सकते हैं. ठीक है, तो पोर्टेबल हाउसेस, हाउसेस दैट वी कैन मूव इजीली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस. ऐसे हाउस जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ मूव करा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उन्हें पोर्टेबल हाउस. अब टेंट इस क्लोथ का बना होता है तो उसको आसानी से पैक करके ले जाया जा सकता है. हाउस बोट क्या करता है? पानी में फ्लोट करता है, पानी में तैरता है, तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर फैक्ट आंट बता रहा है, अकारवा इज अ पोर्टेबल हाउस ऑन व्हील्स. कारवा, ये जो कारवा होता है ये क्या होता है? चक्कों पे, मतलब व्हील पे ये पोर्टेबल हाउस बना होता है इस तरीके से. चलिए नेक्स्ट इज कच्चा हाउस. ये लिखा हुआ है यहाँ पर कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू, क्ले एंड स्ट्रे एंड स्ट्रॉ. सॉरी, कच्चा हाउसेस जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं. मेड अप ऑफ मड, मिट्टी के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं और बांस के बने होते हैं, बैम्बू के बने होते हैं. क्ले होती है, क्ले चिकनी मिट्टी होती है, और स्ट्रॉ जो भूसा होता है उसका भी बना होता है. ये सारी चीज़ें मिला के हम हट को या कच्चे हाउसेस को बनाते हैं. ठीक है, दे आर टेम्प्ररी. और ये टेम्प्ररी होते हैं. दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ट ईजीली. और ये आसानी से टूट भी जाते हैं और इसको हम इसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं और इसको दोबारा से इसको ईजीली बना भी सकते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हट. और इन कच्चे हाउसेस को क्या कहा जाता है? हट भी कहा जाता है. ये देखो, ये जो हट है ये मड, वुड, बैम्बू, क्ले और स्ट्रॉक से मिलके बना हुआ है. ठीक है, और एक और यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सब जगह ये लकड़ियाँ हैं. लकड़ियों को लॉग बोलते हैं. ठीक है, लकड़ियों के जो पीस होते हैं लॉग बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? लॉग हट. ठीक है, लॉग हट, लकड़ियों की बनी हुई हट. ठीक है, तो कच्चा हाउसेस बेसिकली बना होता है मिट्टी का, मड का, वुड का, बैम्बू का, क्ले का और स्ट्रॉ का.
और ये टेम्प्ररी होता है। टेम्प्ररी मतलब आप हमेशा के लिए नहीं होता, आप इसको जब चाहें आप इसको तोड़ भी सकते हैं और वापस से इसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। जैसे अब अगर आपने घर बनाया सीमेंट वगैरह का, तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी पैसा लगेगा। तो ये जो हट्स होते हैं इसलिए ये टेम्प्ररी होते हैं, ठीक है, और आसानी से हम इनको बना भी सकते हैं, इसलिए इनको कच्चा हाउसेस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पक्का हाउसेस, PUCCA, पक्का हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टोन्स एंड स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर, ठीक है, इस इन सारी चीज़ों से मिलके जो बनता है उसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेस। देखो यहाँ पर ये जो पक्का हाउसेस होता है, ये जो पक्का हाउस होता है ये किसका बना होता है, पहले हमने कच्चा हाउस पढ़ा, अब हमें पढ़ना है पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक से बना होता है, ब्रिक मीन्स ईंट आपने देखी है, सीमेंट से बना होता है, सीमेंट का सीमेंट भी आपने देखा है, स्टील भी देखा है, स्टील का भी बना होता है, आयरन होता है, और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब इसमें मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का, स्मॉल स्टोन्स का और वाटर का, मतलब सीमेंट, रेत, सैंड और छोटे पत्थर और पानी को मिला के हम कॉन्क्रीट बनाते हैं और इनका यूज़ पक्का हाउसेस में करते हैं। एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, और इसमें वुड का भी यूज़ होता है, जो आप दरवाजे डोर वगैरह लगते हैं ना वो भी वुड के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलके क्या बनाता है, पक्का हाउसेस बनाता है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेस। ये जो पक्का हाउस होता है ये कच्चा हाउस और पोर्टेबल हाउसेस से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, है। बहुत सारे जो लोग हैं सिटीज में, टाउन्स में पक्के हाउस में ही रहते हैं, पक्के हाउस में। आपने, आप भी जिसमें रहते हैं वो कौन सा हाउस है, कच्चा हाउस है, पोर्टेबल हाउस है या पक्का हाउस है? यस, पक्का हाउस है, ठीक है। पक्का हाउसेस आर ऑफ मेनी टाइप्स, पक्का जो हाउसेस होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो अब हमें पढ़ना है कितने टाइप्स के होते हैं। देखो यहाँ पर, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर से हमें समझना है। ये देखो कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें पूरी ये प्लॉट होता है और उस पर वो घर बना होता है, और ऐसे साइड में फेंसिंग हुई होती है, ठीक है, और ये सिंगल स्टोरी होता है, मतलब सिर्फ एक ही फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है। तो अ सिंगल स्टोरी हाउस हैज ओनली वन फ्लोर, ये सिंगल स्टोरी है क्योंकि एक ही फ्लोर है, तो सिंगल स्टोरी हाउस जो होते हैं उसमें सिर्फ एक फ्लोर होता है, ओनली वन फ्लोर। अब ये वाले घर को आप देखेंगे, ये भी पक्का हाउस है, पर यहाँ पर नीचे भी एक बना हुआ है और ऊपर भी बना हुआ है, तो ऐसे हाउसेस को हम बोलेंगे डबल स्टोरी। अ डबल स्टोरी हाउस हैज टू फ्लोर्स, जो डबल स्टोरी हाउस होते हैं उनमें कितने फ्लोर्स होते हैं, टू फ्लोर्स होते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर और ये हो गया सेकेंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर कितने फ्लोर थे, यहाँ पर सिर्फ एक फ्लोर, तो ये सिंगल स्टोरी कहलाएगा जिसमें एक फ्लोर होता है, जिसमें दो फ्लोर होंगे वो डबल स्टोरी हाउस कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है बंगलोज के बारे में। बंगलोज आर बिग हाउसेस विद लॉन्स, बंगलोज का मतलब होता है जिनमें लॉन्स हो, लॉन्स मीन्स छोटा सा गार्डन हो, ऐसे घरों को वो बंगलोज जो होते हैं वो बिग हाउसेस होते हैं, बड़े घर होते हैं, और उनके उन घरों में लॉन्स भी होते हैं, घर गार्डन भी पाया जाता है, तो ऐसे घरों को हम बोलते हैं बंगलोज। बंगलोज की स्पेलिंग याद रखना, बंग BUNG, बंगलोज ALOWS, बंगलोज, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है अपार्टमेंट क्या होता है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपार्टमेंट में रहते होंगे, तो आप लोग सब जानते हैं अपार्टमेंट क्या होता है। एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट, अपार्टमेंट को फ्लैट भी बोला जाता है, इज अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अपार्टमेंट और फ्लैट क्या होता है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये कौन सी स्टोरी बिल्डिंग है, सिर्फ एक ही फ्लोर है तो ये हो गया सिंगल स्टोरी, इसमें कितने फ्लोर हो गए, वन और टू, डबल स्टोरी फ्लोर, ठीक है।
अभी ये बंगलोज में क्या होगा, बंगलोज बड़े हाउसेस होंगे विद लॉन्स होंगे, उनमें लॉन्स होंगे, LAWNS लॉन्स, ठीक है, जिसमें गार्डन होगा। और जो अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट में दो से ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया वन फ्लोर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फाइव, ठीक है, और ये सिक्स। तो कितनी स्टोरी बिल्डिंग होगी, ये मल्टी स्टोरी, स्टोरी नहीं बोलेंगे हम इसे, बोलेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट इज अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अपार्टमेंट और फ्लैट क्या होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने कितने टाइप के घर पढ़े, कितने टाइप के हाउसेस पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने पोर्टेबल हाउसेस, पोर्टेबल हाउसेस के क्या क्या एग्जाम्पल थे, टेंट और हाउस बोट और कारवा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कच्चा हाउस, कच्चा हाउस के दो एग्जाम्पल कौन कौन से थे। कच्चा हाउस सबसे पहले टेम्प्ररी हाउस होता है और इसके दो एग्जाम्पल थे हट और लॉग हट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पक्का हाउसेस, पक्का हाउसेस में हमने पढ़ा कि ये परमानेंट होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं पोर्टेबल हाउसेस और कच्चा हाउसेस, ठीक है। अब इसमें हमने कितने टाइप के हाउसेस पढ़े थे, फोर टाइप्स के। सबसे पहले सिंगल स्टोरी हाउसेस, फिर डबल स्टोरी हाउसेस, फिर बंगलोज, बंगलोज में क्या होता है, बिग हाउस विद लॉन्स होता है, और फोर्थ हमने पढ़ा था मल्टी स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जिसमें अपार्टमेंट या फ्लैट होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। स्टिल्ट हाउसेस होते हैं वो, ये देखो ये है पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। ये स्टिल्ट हाउसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर देखो, ये बैम्बू के, नदी के ऊपर ये बैम्बू के पोल्स बने हुए हैं, इन पोल्स के ऊपर ये घर बनाया जाता है, स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट, ठीक है। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स, स्टिल्ट हाउसेज हमेशा हाई बैम्बू के ये पोल्स होते हैं, इनके ऊपर ये घर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें स्टिल्ट कहा जाता है। वी फाइंड दैम इन प्लेसेज विद हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसी जगहों पर ये स्टिल्ट हाउसेज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल असम, ठीक है, असम हो गया, ऐसी जगहों पर ये आपको स्टिल्ट हाउसेज मिलेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के कारण पानी घर में घुस जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, बैम्बू के पोल्स बनाकर उसके ऊपर घर को बनाते हैं, और ऐसे घरों को हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेस। नाउ अवर नेक्स्ट हाउस इज इग्लूज। इग्लूज जो होते हैं, इग्लूज आर मेड आर हाउसेस मेड ऑफ स्नो, ये देखो दिस इज इग्लू। ये जो इग्लू होते हैं ये किसके बने होते हैं, स्नो के बने होते हैं, बर्फ से बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वैसी जगहों पर इग्लूज बनाए जाते हैं, क्लियर। चलिए अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ हाउस, हाउस के कितने पार्ट्स होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने घर में अगर आप इसको पढ़ने के बाद एक बार अपने घर पे, घर के चारों तरफ देखिएगा और अपने हर एरिया को बताइएगा कि हम इसको क्या कहते हैं, तभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला है पार्ट्स ऑफ हाउसेस में, अ हाउस हैज मैनी रूम्स। आप सभी को मालूम है आपके घरों में बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे का मतलब ज़रूरी नहीं है कि 8-10 रूम हो, बहुत सारे का मतलब एक से ज़्यादा रूम होंगे। अ हाउस हैज मैनी रूम्स, कई घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं। इट हैज़ अ रूफ ऑन टॉप, और घर के जो ऊपर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं। घर के ऊपर मतलब जो छत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं। और घर के हमेशा टॉप पे होती है रूफ। ईच रूम इन अ हाउस हैज वॉल्स ऑन ऑल साइड्स एंड फ्लोर एट द बॉटम। अब आपने अपने जहां पर भी आप बैठ के सुन रहे हैं वीडियो, आप इसको एक आप वहीं पर बैठ के आप अपने चारों तरफ देखिएगा कि जितने भी रूम हैं, ईच रूम इन अ हाउस, आपके घर में जितने भी रूम हैं उन सारे रूमों में वॉल्स हैं, दीवारें हैं ऑल साइड्स की, मतलब सब दीवार चारों तरफ दीवारें हैं। एंड फ्लोर और एट द बॉटम, और बॉटम में क्या होता है, फ्लोर होता है, फर्श होता है, ठीक है। अ हाउस हैज मैनी डोर्स एंड विंडोज, और घर में बहुत सारे डोर्स भी होते हैं और विंडोज भी होते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर इस पिक्चर को देख के हम लोग
इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ हाउस के बारे में। सबसे पहले ये हाउस है आपका, आपका भी हाउस इसी टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले जहाँ से हम अंदर जाते हैं, किसी के घर के अंदर जहाँ से जाते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ से स्टेप लेके हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया एंट्रेंस, ठीक है। उसके बाद जब कोई गेस्ट आता है तो उन गेस्ट को हम जहाँ पर बैठाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग रूम, जहाँ सोफा होता है, ठीक है। तो आप आपके जितने भी गेस्ट आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? ड्रॉइंग रूम में बैठते हैं। और फिर इसी में ड्रॉइंग रूम के बाद देखो यहाँ पर जहाँ पर आप बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल लगी रहती है उसे हम बोलते हैं डाइनिंग रूम, क्लियर। चलिए, डाइनिंग रूम हमेशा किचन के बाजू में होता है, तो आपके डाइनिंग रूम के बाजू में आपने जो देखा होगा वहाँ पर क्या होगा? किचन होगा। किचन में क्या होगा? गैस होगी, यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, ठीक है, और फ्रिज होगा। ये सारी चीज़ें किचन में होंगी, क्लियर हो गया। अब आपने ये देखा, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? बॉटम में, घर के बॉटम में जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर मतलब फर्श, क्लियर हो गया। चलिए अब हम ऊपर चलेंगे। ऊपर देखिए जहाँ पर वॉश बेसिन और सिंक होंगे, और फिर उसके बाद जो बाथ करने के लिए आप यूज़ करते हैं रूम, दैट इज़ बाथरूम। आपका बाथरूम आप सभी को मालूम है कहाँ पर है और किसको हम बाथरूम बोलते हैं। उसके बाद जिस रूम में आपके बेड लगे हुए और आप सोते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेडरूम, ठीक है। और सब जगह पे वॉल्स हैं, सारे कॉर्नर में जो जो रूम है उन रूम के सारे साइड्स पे क्या होंगी? वॉल होंगी। और अब जो घर के सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रूफ, छत, घर की छत कहलाती है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर कुछ विंडोज भी दिखा रही है। विंडोज क्यों लगाई जाती है घर में? क्या आप कोई बता सकता है कि विंडोज क्यों लगाई जाती है घर में? अब कुछ बच्चे बोलेंगे घर से बाहर देखने के लिए, पर ये रॉन्ग आंसर है ना। विंडोज इज अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। विंडोज इसलिए लगाई जाती है घर में ताकि हम आपके जो घर में फ्रेश एयर हमेशा आती रहे, ठीक है। तो विंडोज का यूज होता है फ्रेश एयर को अंदर आने देती है। जो रूफ होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूफ? रूफ का फंक्शन होता है, रूफ हमें क्या करता है? बारिश से बचाता है, सन से बचाता है और कोल्ड से बचाता है। तो रूफ का मेन फंक्शन होता है, ये जो रूफ होती है ये हमें बारिश, धूप और पानी से बचाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपने घरों में देखा होगा ये ऊपर की तरफ ऐसा लगा रहता है, मोस्टली जितने ये कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पर ये आपको दिखेगा। और ये जो कोल्ड प्लेसेस पे ऐसे जो ऊपर की तरफ बना रहता है इसे हम बोलते हैं चिमनीज, ठीक है। चिमनीज क्या करती है? लेट स्मोक एंड स्टीम कम आउट ऑफ द हाउस। तो ये चिमनीज होती हैं, ये स्मोक, धुएं को और भाप को घर से बाहर निकालने का काम करती हैं, क्योंकि अगर घर में धुआं रहेगा तो फिर क्या होगा? जो एयर है वो खराब हो जाएगी। तो ये जो चिमनीज होती है मोस्टली ठंडी जगहों पर लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है क्योंकि नीचे की तरफ एक छोटा सा प्लेस बनाया जाता है जहाँ पर लकड़ी में आग लगा के पूरे घर को थोड़ा गर्म रखते हैं। तो वहाँ ऐसी जगहों पर, कोल्ड प्लेसेस पे चिमनीज लगाई जाती है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर अहमदाबाद में देखेंगे तो ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि कहीं पर चिमनी लगी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, ये जो फ्लोर होता है, फ्लोर इज द सरफेस ऑफ अ रूम। फ्लोर रूम का सरफेस होता है जहाँ पर हम वॉक करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है फैक्ट 8। ऑल रूम्स इन अ हाउस मस्ट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर। आपके घर में जितने भी रूम्स हैं उनमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए और फ्रेश एयर आनी चाहिए। सनलाइट के कारण क्या होते हैं? बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं और फ्रेश एयर से हमें ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर मिलता रहता है, ठीक है। चलिए टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज। अब हमने अपने घर के बारे में तो पढ़ा, पर अब हमें क्या पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमारे को घर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पीपल हु मेक आवर हाउस, जो लोग हमारा घर बनाते हैं, अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। जब भी कोई घर बनता है तो कोई घर एक आदमी नहीं बना पाता,
उसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और वो सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर को बनाने के लिए। इसलिए घर बनाना बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये घर बन रहा है, यहाँ पर ये कौन है, ये मैसन है, मजदूर है, और ये सब उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है आगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब पूछेंगे आप आर्किटेक्ट क्या होता है, आर्की इसको पढ़ते हैं हम आर्किटेक्ट, आर्ची नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, आर्किटेक्ट। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज अ प्लान एंड मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, क्लियर हुआ? तो आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आर्किटेक्ट क्या करता है, ड्रॉज अ प्लान एंड मेक्स द डिजाइन ऑफ द हाउस। और आप कई बार जब घूमने जाते हैं तो कहीं पर बहुत अच्छा घर दिखता है, आप बोलते हैं देखो कितना सुंदर घर है, वो जो घर का जो डिजाइनिंग है वो सब कौन करता है, वो आर्किटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज मैसन, इसे हम पढ़ते हैं मैसन, मैसन मीन्स मजदूर। ठीक है, अ मैसन लेज द ब्रिक्स एंड सीमेंट्स द वॉल्स फ्लोर एंड रूफ। ये जो मैसन होता है ये क्या करता है, ये ब्रिक को ऐसे जोड़ने का काम करता है सीमेंट के साथ, और फ्लोर और रूफ भी बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कारपेंटर, अ कारपेंटर मेक्स थिंग्स ऑफ वुड्स लाइक डोर्स एंड विंडोज। जो कारपेंटर होता है, कारपेंटर होता है वो क्या करता है, लकड़ियों से दरवाजे और विंडो बनाता है कारपेंटर। और एक काम करता है, आपके घर के फर्नीचर का काम भी कारपेंटर ही करता है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, नल फिटिंग हो रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखो यहाँ पर नल की फिटिंग हो रही है ना, तो ये नल की फिटिंग जो करता है, पाइपलाइंस की जो फिटिंग करता है, उसे हम बोलते हैं प्लम्बर। अ प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप सिंक्स एंड टैप्स। जो प्लम्बर होता है वो वाटर पाइप का, सिंक का और टैप का फिटिंग करता है, मतलब वाटर पाइप्स की फिटिंग, सिंक की फिटिंग और टैप्स, जितने भी नल हैं उन सब की फिटिंग कौन करता है, प्लम्बर करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक काम हो रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन। तो जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स लाइट्स फैंस एंड बल्ब्स। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स लाइट्स फैंस और बल्ब्स को फिट करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में बहुत सारी लाइट्स होंगी, फैन होंगे, टीवी का अलग स्विच होंगे, है ना, तो वो सारी फिटिंग कौन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अ पेंटर, अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स डोर्स विंडोज एंड सीलिंग्स। जो पेंटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो आपके घरों की वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं और सीलिंग्स होती है, सीलिंग्स मतलब छत ऊपर के साइड की जो अंदर से दिखती है, उन सीलिंग्स को पेंट करने का काम करता है पेंटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है, साइना वॉन्ट्स टू नो नेम टू मोर थिंग्स अ कारपेंटर मेक्स इन अ हाउस बिसाइड्स डोर्स एंड विंडोज। अब साइना पूछ रही है डोर्स और विंडोज के अलावा कारपेंटर और क्या काम करता है, कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ गुड होम। अब हमें एक अच्छा घर कैसे हो सकता है वो हमें देखना है, मतलब गुड होम का मतलब देखो घर कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा या बहुत सारी चीजें होंगी घर में तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि आपका घर अगर छोटा है या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका घर अगर सिस्टमेटिक है, साफ है, आप सब उसके अंदर खुश रहते हैं तो वो घर सबसे अच्छा घर है ना। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि हम इतने बड़े बंगलों में रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम छोटे घर में भी अगर रह रहे हैं और हम सब खुश हैं, हमारा घर बहुत साफ सुथरा और अच्छे से सिस्टमेटिक है, तो हमारा घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलिए
अ गुड होम, एक अच्छे घर के बारे में पढ़ना है. अ हाउस वेयर अ फैमिली लिव्स इज कॉल्ड अ होम. देखो अब हम हाउस और होम में क्या अंतर होता है. हाउस का मतलब होता है घर. घर कैसा घर? ये घर बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये घर बन गया है ना, ये घर हो गया. हाँ, अब इस घर के अंदर अगर फैमिली रहने लगे, फैमिली मतलब मम्मी पापा या और कोई लोग सब रहने लगे, तो उसको हम फिर बोलते हैं होम. हाउस वेयर अ फैमिली लिव्स इज कॉल्ड अ होम. ऐसा घर जिसमें फैमिली रहती है उसे हम होम बोलते हैं, ठीक है. इट इज़ अ प्लेस वेयर वी रेस्ट एंड प्ले टुगेदर. ये जो होम होता है ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं और खेलते हैं एक दूसरे के साथ. तो साफ रखने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है. डस्ट थिंग्स एवरी डे टू कीप अवे इंसेक्ट्स. तो हमें डेली क्या करना चाहिए, अपने घर की डस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, और इंसेक्ट्स को अपने घर से दूर रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब्स. आपके घर में अगर कॉबवेब्स लगे, मकड़ी के जाले हैं, तो उनको आपको निकाल देना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ रखनी चाहिए, प्रॉपर प्लेसेस में रखनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स. कुछ बच्चों की आदत होती है छोटे में भी कि वो क्या करते हैं, वॉल्स पर लिखते हैं, स्क्रिबल करते हैं, वॉल को गंदा करते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. अगर आपको लिखना है तो आप स्लेट लीजिए, उस पर लिखिए, या फिर किसी नोटबुक पर लिखिए, पर आपको वॉल पर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन्स रेगुलरली. आपके घर में जो डस्टबिन्स होते हैं उनको डेली आपको एम्प्टी खाली भी करना चाहिए और साफ भी करना चाहिए डेली, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे. रोज आपको अपने घर में झाड़ू भी लगानी चाहिए और मॉपिंग भी करनी चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए, ताकि आपका जो घर है वो साफ सुथरा रहे. नाउ नेक्स्ट इज कीप द सराउंडिंग्स ऑफ योर हाउस क्लीन. और आपको अपने घर के आसपास की सराउंडिंग को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. अब यहाँ पर देखो, ग्रैंडमा आस्क हाउ शुड यू कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम डिसीजेस. आपको अपने घर को अगर डिसीजेस से, बीमारियों से बचा के रखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपनी जो डस्टबिन है उनको डेली एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे और उसको धोएंगे, साफ करेंगे, ठीक है. दूसरा, स्वीप एंड मॉप करना है, डेली झाड़ू और पोछा होना चाहिए घर में, तो ताकि आपका जो घर है वो डिसीज फ्री रह सके. नाउ एक्सरसाइज टाइम. बेटा एक्सरसाइज टाइम में ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी रीड कर देती हूँ, पर मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगी जिसको देख के आप लिख सकते हैं. अगर आप अभी लिख सकते हैं मेरे साथ तो आप लिख लीजिए, पर मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगी, ठीक है. चलिए, इसमें आपको अभी आप बुक में ही लिखिएगा, क्योंकि नोटबुक में मैं आपको लिखने का भी तरीका भी बता चुकी हूँ कि पहले आपको क्या करना है, चैप्टर नेम, फिर न्यू वर्ड्स, फिर एक्सरसाइज. ये मैं सिर्फ बुक में करा रही हूँ, ये आपको अभी नोटबुक में नहीं करना. व्हाई डू वी नीड अ हाउस, आंसर लिखना है आपको. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड थीव्स, ठीक है. यहाँ पर यहाँ तक लिखना है आपको. आप नहीं भी लिखेंगे अभी तो कोई बात नहीं, आपको मैं पीडीएफ दूंगी, आप उससे नोटबुक में लिखेंगे, इसको नोटबुक में अभी नहीं लिखना आपको. सेकेंड इज नेम टू पोर्टेबल हाउसेस. द टू पोर्टेबल हाउसेस आर टेंट और हाउस बोट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू दे हेल्प, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन. प्लम्बर क्या हेल्प करता है? अ प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप, सिंक्स एंड टैप्स. ये टैप्स में TAPS है, टैप्स, TAPS, टैप्स. नाउ सेकेंड इज इलेक्ट्रिशियन. एंड इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब्स. जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को फिट करता है, लाइट को फिट करता है, फैन और बल्ब्स को फिट करता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. What is an apartment? Apartment क्या होता है? A house in a multi-storied building is called an apartment. Multi-storied building में जो house होता है उसे हम apartment बोलते हैं, ठीक है. Now fifth one is write two ways to keep houses clean. दो तरीके बताने हैं जिसमें हमें, जिससे हम अपने घर को clean रख सकते हैं. First is sweep and mop the floor every day. रोज झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए floor पर.
सेकेंड इज एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन्स रेगुलरली, और हमें क्या करना चाहिए, रोज डस्टबिन को खाली करना चाहिए और धोना चाहिए ताकि जो हमारा हाउस है वो क्लीन रह सके। चलिए नेक्स्ट, ये आपको बुक में करना है बी वाला, राइट ट्रू और फॉल्स। पहला, पक्का हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन अ पोर्टेबल हाउस। पक्का हाउस स्ट्रॉन्गर होता है पोर्टेबल हाउस से, यस ट्रू, TRUE, ट्रू। सेकेंड इज मोस्ट पीपल इन सिटीज लिव इन पोर्टेबल हाउसेस, तो सिटीज में मोस्टली पक्के हाउसेस में रहते हैं, पोर्टेबल हाउस में नहीं रहते, तो ये आ जाएगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस। हमें घर की दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, ट्रू। नाउ फोर्थ वन इज बंगलोज आर बिग हाउसेस विद लॉन्स। बंगलोज में बिग हाउसेस होते हैं और लॉन्स भी होता है, ट्रू। नाउ फिफ्थ वन इज अ हाउस हैज अ फ्लोर ऑन द टॉप। हाउस का जो टॉप होता है वो फ्लोर कहलाता है, तो फॉल्स आएगा क्योंकि वो क्या कहलाता है, रूफ कहलाता है। नाउ सिक्स्थ वन इज अ कारपेंटर फिट्स द वॉटर पाइप्स एंड टैप्स। कारपेंटर वाटर पाइप्स और टैप्स को फिट करता है, सॉरी फॉल्स, कारपेंटर क्या करता है, वुडन वर्क करता है, ठीक है, तो वाटर पाइप्स और टैप्स को फिट नहीं करता, इसलिए फॉल्स आएगा। नाउ सेवेंथ इज कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब। आपको अपने घर को कॉबवेब से फ्री रखना चाहिए, मतलब उनको क्लीन कर देना चाहिए, तो ट्रू आएगा आंसर। नाउ सी एक्सरसाइज, यहाँ पर है सी एक्सरसाइज, ये आपका, मैं एक बार समझाती हूँ क्या करना। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस इन द वर्ड सर्च। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं आप इनको, और यहाँ पर कुछ पीपल्स के पिक्चर दिए हुए हैं, इनको देख के वहाँ पर आपको क्या करना है, उनके नाम को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है ये क्या कर रहा है, वुड का वर्क कर रहा है, वुडन वर्क कर रहा है, तो ये कौन हुआ, कारपेंटर हुआ, तो आपको कारपेंटर ढूंढना पड़ेगा कि कारपेंटर यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, और फिर ढूंढ के उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। दिख रहा है आपको कहीं कारपेंटर, ये आप ये देखो, ये है फर्स्ट, इस तरीके से मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क, दिस इज कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। चलिए सेकेंड दिख रहा है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट यहाँ से है, ये आर्किटेक्ट, इस आर्किटेक्ट को आप अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पर सेकेंड नंबर लिख दीजिए। नाउ थर्ड इज ये कौन दिख रहा है, यह है पेंटर, कौन है ये, पेंटर, तो अब देखो पेंटर कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सीधा हो, उल्टा सीधा भी हो सकता है, ये है पेंटर, दिस इज पेंटर, ये कौन सा नंबर हो गया आपका, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रीशियन, ये पूरा यहाँ तक आएगा, उसको आप लिखेंगे कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ इज मैसन, मैसन कहाँ पर है देखो, कहाँ पर एम है, पहले एम देख लो, एम कहाँ का, ये रहा मैसन, हो गया यहाँ तक फिफ्थ नंबर मैसन। नाउ सिक्स नंबर इज प्लम्बर, तो यहाँ पी देखो, ये आ गया प्लम्बर, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में दिया हुआ है काइंड्स ऑफ हाउसेस, कितने काइंड के हाउसेस, कितने प्रकार के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस, स्टिल्ट हाउस, पक्का हाउस, पोर्टेबल हाउस और इग्लूज, ठीक है। कच्चा हाउस किस किस से मिलके बना होता है, क्ले, वुड, बैम्बू और मड से मिलके बना। अब यहाँ पर पूछे पक्का हाउस किस किस से बना होता है, तो ये आ जाएगा ब्रिक से बना होता है, स्टील से बना होता है, सीमेंट से, आयरन से और कॉन्क्रीट से। यहाँ पर CONCRETE और ई कॉन्क्रीट से मिलके बना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी इसकी,
अब ये एक्टिविटी टाइम जो है ये आपका होमवर्क है, आपको ये क्या करना है, सिर्फ आपको बुक में ही करना है। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, होमवर्क है। और होमवर्क क्या करना है मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है नेम द काइंड्स ऑफ हाउसेस शोन बिलो, यहाँ नीचे बहुत सारे टाइप के हाउसेस दिए हुए हैं, इन हाउसेस में नंबरिंग दी हुई। जैसे ये फर्स्ट नंबर का जो हाउस है मैं एक करके बताऊंगी, बाकी आप करेंगे। ये जो फर्स्ट नंबर का हाउस है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था जो मल्टी स्टोरीड होते हैं बिल्डिंग, उन्हें मल्टी स्टोरीड हाउसेस को हम अपार्टमेंट या फ्लैट बोलते हैं। अब ये कैसे मल्टी स्टोरीड हुई, ये देखो 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरी और 5 स्टोरी। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अपार्टमेंट। मैं एक करके बस आपको बताऊंगी, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, यहाँ पर सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, और इस सेकेंड नंबर को देखो, ये वाला जो सेकेंड नंबर है इसको जो बोलते हैं आपको यहाँ लिखना है। थर्ड नंबर इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, उसको लिखना है। फोर्थ नंबर क्या, ये क्या है वो भी आपको यहाँ लिखना है। फिफ्थ नंबर पे ये जो है इसके बारे में भी आपको यहाँ लिखना है, ये कौन से टाइप का हाउस है। सिक्स नंबर भी आपको ये है, सिक्स नंबर यहाँ लिखना है। और सेवन्थ नंबर जो है ये आपको इस घर का नाम यहाँ पर लिखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो आपको ये ढूंढ के स्पेलिंग याद करके लिखना है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 है, वी नीड शेल्टर। फर्स्ट आपको लिखना है न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में फर्स्ट स्ट्रे, STRAY स्ट्रे। सेकेंड स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म। थर्ड इज पोर्टेबल, PORTABLE पोर्टेबल। फोर्थ इज शोल्जर्स, SOLDIERS शोल्जर्स। फिफ्थ इज कैंपर्स, CAMPERS कैंपर्स। सिक्स्थ इज कच्चा हाउस, KUTCHA कच्चा हाउस। सेवेंथ इज पक्का हाउस। एट्थ इज स्टोरी, STOREY स्टोरी। नाइन्थ इज कॉन्क्रीट, CONCRETE कॉन्क्रीट। नाउ टेंथ इज बंगलोज, BUNGALOWS बंगलोज। इलेवेंथ इज अपार्टमेंट, APARTMENT अपार्टमेंट। नाउ ट्वेल्थ इज स्टिल्ट हाउस, ये आपको लिखना है। इसके बाद यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ हाउस, आंसर लिखेंगे वी नीड अ हाउस टू लिव इन। फुल स्टॉप, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन रेन कोल्ड एंड थीव्स। फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू पोर्टेबल हाउसेस। टू पोर्टेबल हाउसेस, टेंट एंड हाउस बोट्स आर टू पोर्टेबल हाउसेस, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू दे हेल्प, फर्स्ट प्लम्बर, सेकेंड इलेक्ट्रिशियन। प्लम्बर का लिखेंगे अ प्लम्बर फिट्स द वॉटर पाइप, सिंक्स एंड टैप्स। प्लम्बर फिट करता है वाटर पाइप को, सिंक्स को और टैप्स को। नाउ सेकेंड लिखेंगे इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब्स, ठीक है। बेटा मैं इसको आपको PDF में भी दूंगी, तो अगर आपका छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप PDF से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ वन इज व्हाट इज एन अपार्टमेंट, आंसर लिखेंगे अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज कॉल्ड एन अपार्टमेंट। अगर आपको लगता है तो आप इसको पॉज करके भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं लिख पा रहा तो आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट टू वेज टू कीप हाउसेस क्लीन, आंसर 1, आंसर फर्स्ट पॉइंट स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, फुल स्टॉप। सेकेंड एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन्स रेगुलरली। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, ओके।